आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज कलेक्ट्रेट में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान प्राकृतिक खेती से जुड़े बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई और इसे बड़े पैमाने पर बढ़ाने के प्रयास शुरू किए जाने के लिए कलेक्टर ने निर्देशित किया है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि रीवा जिले में प्राकृतिक खेती के संबंध में यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विस्तृत चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में 2600 से अधिक किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन प्राकृतिक खेती के लिए कराया है। इसको हम हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे और उनका पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान विशेषकर कोदो कुटकी की खेती की ओर है, इसके अलावा अन्य भी जो प्राकृतिक खेतियां हैं उनको भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास है कि प्राकृतिक खेती से निकलने वाली फसलों का हम यही पैकिंग कराएंगे और उनकी मार्केटिंग भी कराएंगे, जिसके लिए हमने इलाहाबाद यानी प्रयागराज बनारस सहित अन्य जगह के खरीदारों से भी संपर्क किया है। कलेक्टर ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि किसानों को उनकी खेती का उचित लाभ मिल सके, जिससे किसान इस प्राकृतिक खेती को तेजी से आगे बढ़ाएं। प्राकृतिक खेती को हम लोगों ने एक बड़े अभियान के रूप में रीवा जिले में शुरू करने का निर्णय लिया है। आज इस बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। 2600 से अधिक किसानों ने अपने को रजिस्टर्ड किया है और उन्होंने किस प्रकार की खेती करेंगे वो और कौन से जिन्स उगाएंगे इसके अपने ऑप्शन भी दिया है। हम लोग उनकी समीक्षा कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो भी प्राकृतिक खेती से उपज होगा उसके ब्रांडिंग की, उसके पैकेजिंग की और उसके मार्केटिंग की जिला स्तर पर बेहतर व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो प्राकृतिक खेती से उपज हो उस उपज की बेहतर कीमत किसान को मिले। कोदो कुटकी एक मेजर प्रोड्यूस के रूप में हम लोग जिले में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश होगी कि न केवल उसकी फूड प्रोसेसिंग कराई जाए, उसके डिफरेंट प्रोड्यूस बनाए जाए, बल्कि उसके मार्केटिंग की भी हम ई कॉमर्स के माध्यम से और इलाहाबाद और बनारस के माध्यम से भी हम इसको मार्केटिंग करने के लिए कार्य योजना बना रहे हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बाँस के अलावा कोदो कुटकी और विभिन्न तरह के फल और सब्जियों की खेती का प्रमोशन होगा और जो फसल विविधीकरण का और प्राकृतिक खेती का माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो ये विशिष्ट योजना है उस पर रीवा जिले में बेहतर काम होगा।